आज 11 अप्रैल 2020 की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ पे मीटिंग खत्म की और साथ में ये भी बताया कि सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल कैस्टिक हिंदी पर नए हो तो प्लीज कैस्टिक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, उसका फायदा सबसे पहले आपको मिल सके। एक दूसरी अपडेट के साथ हम बता दें कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार कहा था कि सभी के भारतवासियों के अकाउंट में यहाँ पे धनराशि आपको प्राप्त मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन कुछ अभी तक लोग बोल रहे हैं हमारे आया नहीं। लेकिन बता दूं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% लोगों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे जिनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, जल्दी वो पैसे पहुँचने वाले हैं। और बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, वो उसका खुलासा हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे अपील एक ही बात की गई है कि यहाँ पे लॉकडाउन की तिथि आगे बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे सभी भारतवासियों को उनको उपलब्ध धनराशि या जो भी यहाँ पे खाने पीने राशन का सामान उनको वहीं घर पर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में यहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है, प्रॉपरली जनता कर्फ्यू लग चुका है। और बात करें पूरे भारत की, अगर भारत में बात कर लेते तो टोटल 40 जिलों के अंदर यहाँ पे पूरी तरह जनता कर्फ्यू लग चुका है। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये भी निकल के आई है कि यहाँ पे मुंबई के अंदर सब्जी सब कुछ यहाँ पे जनता कर्फ्यू लग चुका है, जिसमें बाहर ताले लगा दिए गए हैं, घरों के मकानों के ताले लगा दिए गए हैं और यहाँ पे किसी को भी बाहर निकल के अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे स्पेशल टास्क जिसकी बात करें आर्मी को यहाँ पे बुला लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की जो पावर था वो बेकाबू में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फौजियों को वहाँ पे बुला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसके अंतर्गत यहाँ पे सभी आर्मी के जो नौजवान हैं उनको बुला लिया गया है, क्योंकि ये पुलिस के बेकाबू से बाहर हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे ये कोरोना वायरस से लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित है और ये भारत में तेज़ी से फैल रहा है, इसका नुकसान सभी भारतीयों को हो सकता है। अभी भी फायदा है, जो यहाँ पे नियम कानून बनाएंगे उनका पालन करना ही होगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बार बार ये की बात बोली है कि आइसोलेशन उसका पालन आपको करना ही होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को डाउन नीचे कर सकता है। और साथ में हम बात करें कि यहाँ पे मरीजों की संख्या 7,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज तारीख में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और उसका पालन आपको करना ही होगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस आपको बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। और बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खातों में यहाँ पे ऑलरेडी पैसे भेजा जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आपको बता दें कि जल्दी उनके खातों में भी पैसे आ जाएंगे। और आपको बता दें कि सारी राशन की सुविधाएं आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है और 3 महीने के पहले आपको एडवांस सैलरी भी दे रही है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है और साथ में राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी कर्मचारी चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे यहाँ पे अगर चिकित्सा से रिलेटेड हो या पुलिस से हो, अगर उनकी मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपये तक का उनको मुआवजा दिया जाएगा, और वो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सबसे बड़ी खबर इसी चैनल पे ऊपर। थैंक यू सो मच।